So hi, welcome to this another college review, जहां पे मैं बात करने वाली हूँ NMIMS Bangalore के बारे में. Recently आपने community section पे एक poll देखा होगा जहां पे we have put up 2-3 colleges, right? SCIT was there, NMIMS Bangalore was there, and 2 more colleges were there in the list. And I think 54% of students want कि मैं इस college को सबसे पहले review करूँ. And here I am with the episode. So what you just need to do, you just need to begin. So welcome back to this episode. I was just going through the conversation what I asked students, because har college review se pehle I interact with students. Pura video complete dekhen if you want to know or conclude ki whether you should take this college or not. So sabse pehle hum start karenge with the few basic information, right? कि 2008 का establish a college है, it is under deemed to be university, Bangalore, Karnataka में located है, 8.5 acres का campus है, AICT approved है, साथ ही साथ अम्बा का accreditation है, और ये college जो है, इसको आप NMAT के through target कर सकते हैं, and last year का cut-off जो है, that was 224, so with 224, you can expect a call from NMIMS Bangalore, right? So अगर मैं batch size की बात करूं, for the 23 batch it was 205, इनके पास registered seats 240 students की है, और जो 23-24 का batch है उसमें 160 students हैं, right? तो कहीं ना कहीं अब हम अगर बात करें connectivity की, तो nearest railway station, subway station, airport, ये सारे जो हैं वो आपके पास option है. रैंकिंग में आप देख रहे होंगे, मैंने आई थिंक सो फार 30-40 स्कूल्स को रैंक मतलब रिव्यू किया है, और हर कॉलेज किसी ना किसी रैंकिंग में आता है. सो रैंकिंग शुड नॉट बी द पैरामीटर टू शॉर्टलिस्ट अ कॉलेज, दैट इज द रीजन आई ऑलवेज से दैट आप ये देखो कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, और आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आपको कौन सा कॉलेज टारगेट करना चाहिए. इफ यू नीड एनी हेल्प, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. सो रैंकिंग के अलावा अगर हम बात करें तो MBA कराता है 10 लाख फीस है. जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रही थी, मेजरली स्टूडेंट्स का कहना था दैट 19.5, दैट मींस 20 लाख के नियर अबाउट फी स्ट्रक्चर. यहाँ पे दे हैव मेंशन 10 लाख फर्स्ट ईयर का फीस है, ये सिर्फ फी स्ट्रक्चर है, इट रियली डजंट इंक्लूड हॉस्टल फीस. यस, सो 19.5 इज समथिंग जो 23-25 में स्टूडेंट्स एनरोल हुए उन्होंने पे किया, जो 24 में स्टूडेंट्स आएंगे उनके लिए थोड़ी सी और ज्यादा होगी. जो हॉस्टल है मतलब कॉलेज के अंदर हॉस्टल नहीं है, दे हैव सम टाइप हॉस्टल, आप खुद से भी ऑप्ट कर सकते हैं, तो उसमें जो मंथली एक्सपेंस स्टूडेंट को पड़ता है वो नियर अबाउट 18,000 to 20,000 पड़ता है, मतलब 2,20,000 का इन्वेस्टमेंट वो माने. तो 20 लाख अगर हम यहाँ माने इंक्लूडिंग एवरी सिंगल थिंग, और नियर अबाउट अगर हम देखें तो 4,40,000 का इन्वेस्टमेंट वो है, तो 24,40,000 का इन्वेस्टमेंट है इफ यू आर लुकिंग फॉर NMIMS Bangalore, जो कि ऑन अ हायर साइड है, फी स्ट्रक्चर हायर साइड है, including hostel also it is on higher side. So that is basically the course offered and the fee structure. Eligibility criteria, NMAT ke through only you can get into this college. वैसे NMAT का exam student देते हैं to get into NMIMS Mumbai, then Navi Mumbai, Bangalore, Hyderabad and then Indore. ये 5 campuses हैं, right? Comparatively CAT से NMAT easy होता है, student के पास option होते हैं कि वो एक बार से ज़्यादा exam दे सकता है. इस college का cut off 224 है, अगर आप NMAT के through NMIMS Bangalore के call expect कर रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हैं 91 से 94 दैट मींस 224 प्लस का स्कोर रिक्वायर्ड है टू गेट अ कॉल फ्रॉम हियर. इंटरनेशनल अफिलिएशन दैट इज बेसिकली द स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, इस पे मैंने क्वेश्चंस नहीं किए, दैट इज द रीजन आई विल नॉट डिस्कस मच अबाउट इट. कुछ स्कॉलरशिप कॉलेज ऑफर करता है, राइट, दैट इज NMIMS का एकेडमिक स्कॉलरशिप और मेरिट डायरेक्टर्स मेरिट स्कॉलरशिप. सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल सा क्या है, आपको NMAT देना है, NMAT देने के बाद एक साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, रिटन एनालिटिक टेस्ट होता है, फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू. जो फाइनल मेरिट बनती है दैट इज NMAT के बेसिस पे, आपके एकेडमिक्स के बेसिस पे, आपके इंटरव्यू के बेसिस पे, एंड देन फाइनल सिलेक्शन कहीं ना कहीं आपका होता है, राइट. तो दैट इज बेसिकली सिलेक्शन क्राइटेरिया. नाउ टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट्स, प्लेसमेंट से पहले फ्यू मोर थिंग आई जस्ट वॉन्टेड टू यू नो डिस्कस, कि आई थिंक जो कॉलेज से हॉस्टल है वो 4 किलोमीटर की दूरी पे है, जो आप स्टूडेंट्स ऑफ यू नो ऑफर करते हैं. इंटर्नशिप 2 महीने की कंपलसरी इंटर्नशिप जो स्टूडेंट प्रोवाइड करते हैं.
सॉरी कॉलेज प्रोवाइड करता है। नाउ प्लेसमेंट्स पे अगर हम 23 के प्लेसमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे कॉलेज एवरेज पैकेज 14 लाख का क्लेम कर रहा है, हाईएस्ट पैकेज 19 लाख 70,000 का क्लेम कर रहा है, वेरस 22 में 11,80,000 का था। जो स्टूडेंट से मैंने बात की उनका ये कहना है जो 24 का बैच है उसमें अभी 20% स्टूडेंट्स अनप्लेस्ड हैं, राइट। इन्फ्लेशन की वजह से यू नो अगर हम बात करें तो सिंपल सी चीज है कि जो फिक्स पैकेजेस हैं वो 9 से 11 के बीच में है, विद वेरिएबल 13 टू 17 लाख का स्टूडेंट को पैकेज मिलता है। ये 24 बैच की मैं बात कर रही हूँ। 23 में जो कहीं ना कहीं एवरेज पैकेज है यहाँ पे ये 14 लाख क्लेम कर रहे हैं, बट एज पर स्टूडेंट इट वॉज नियर अबाउट 12.5 लाख, जिसमें अगेन फिक्स जो है वो 9 से 11 एंड बाकी जो है वो वेरिएबल कहीं ना कहीं है, ठीक है। कई सारी कंपनी जैसे फाइनेंस के लिए क्रिसिल थी एंड देयर सो मेनी कंपनीज विच कम फॉर द प्लेसमेंट, बट अभी रिसेशन का इम्पैक्ट है जो 24 का बैच प्लेस हो रहा है। लोएस्ट पैकेज जो था 7.5 का था जो कि 5 स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं मिला है। 24 का मीडियम पैकेज जो है वो 10 लाख का है, राइट। एंड नियर अबाउट सेम एवरेज पैकेज जो है अभी तक जितने स्टूडेंट प्लेस हुए हैं, जो 23 का भी एवरेज पैकेज मीडियम है वो 10 के आसपास ही है। यूजुअली क्या है कि मैंने जितने भी कॉलेजेस स्पेशली जो टॉप थोड़े से ब्रांडेड कॉलेजेस होते हैं बाकी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा क्लियरली बताते नहीं, दे ऑलवेज से दैट रिफर टू प्लेसमेंट रिपोर्ट, जो प्लेसमेंट रिपोर्ट दी है वही कहीं ना कहीं है। बट स्पेसिफिकली टू दिस कॉलेज आई थिंक out of all these students I've interacted with, there was this one student who quite specifically told, because he used to watch my videos, so he said ki ma'am एक चीज जो स्टूडेंट को नहीं पता होती कि लेट्स से आप किसी कॉलेज को देख रहे हो, जैसे इन्होंने लिखा 14 लाख का एवरेज पैकेज, तो अब स्टूडेंट क्या सोच रहा है कि चलो मैं इन्होंने मीडियन अगर 13 लाख भी लिख दिया तो मेरा 13 लाख का कहीं ना कहीं प्लेसमेंट लग जाएगा, पर उसको ये नहीं पता कि एक तो इन्फ्लेशन 1.5 लाख हर जगह है, तो 12.5 लाख का एवरेज पैकेज व्हाट ही वाज सेइंग। सेकंडली ही आल्सो सेड दैट 12.5 लाख ऐसा नहीं है कि आपको मिलेगा ही, इसमें से हो सकता है फिक्स आपका 9 हो या 10 हो या 11 हो एंड बाकी का जो अमाउंट है वो वेरिएबल में कहीं ना कहीं हो है। तो स्पेसिफिकली अगर आप NMMS बैंगलोर देख रहे हो, ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यू ऑफ द कॉलेज इज गुड, आई विल नॉट से दैट, बट आल्सो यू नीड टू सी कि लिस्ट में कौन से दूसरे ऑप्शन है, बिकॉज़ इसके लिए इन्वेस्टमेंट भी जो है वो जस्ट मोर देन डबल, इट्स लाइक 24-25 लाख समथिंग व्हाट यू आर इन्वेस्टिंग फॉर योर 2 ईयर MBA, राइट। एंड यूजुअली देर इज दिस वन यू नो प्रॉब्लम विद द स्टूडेंट्स की दे ओनली लुक एट ब्रांड वैल्यू, इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर अ कॉलेज लुकिंग एट द ब्रांड रेपुटेशन, बट With brand reputation, also look for colleges जहाँ पे ROI, placement opportunities, overall prospect पे आपको क्या मिल रहा है वो आपको कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने इससे पूछा कि लेट्स से इफ somebody कम्स टू यू एंड ask यू कि मुझे ये कॉलेज लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो ही सेड दैट टोटली डिपेंड्स, राइट, कि उसकी लिस्ट में कौन से कॉलेजेस हैं। लेट्स से इफ उसकी लिस्ट में सोमाया है स्पेसिफाइड देन उससे बेटर है, बट देयर सो मेनी, अगर आपके पास जिम्स है या तापनी है या और दूसरे कॉलेजेस है तो उस केस में आप उसको कहीं ना कहीं ज्यादा कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे क्लब्स हैं, मेजरली सारे क्लब्स एक्टिव हैं, हर क्लब का एक मेन इवेंट होता है साल में एक बार, और साथ ही साथ हर 2 से 3 महीने में कहीं ना कहीं alternative small small events भी हर club conduct कराता है। तो I think that was the 23 placement, 24 placement still going on because 20-25% of students are still unplaced. 14 lakh is something what college is claiming, as per student 12.5 lakh का package है average, जिसमें से you know there is this fixed and variable. 100% placement जैसा कुछ नहीं है, जैसे अभी recently आज मैं एक post देख रही थी कि NMIMS हैदराबाद में 50 students को कहीं ना कहीं mail किया गया कि please आप हमें अपने placement session complete करना है तो आप please mail करें हमें कि आप placement से opt out कर रहे हैं, मतलब आप placement में participate नहीं करना चाह रहे हैं। तो 100% placement के पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें on you know website, on website reviews कहीं ना कहीं नहीं मिलती है, back end पे बहुत सारी चीजें होती है जो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं नहीं पता चलती है। ये टॉप 10, टॉप 25, टॉप 50% स्टूडेंट्स के एवरेज पैकेजेस मेंशन किए गए हैं। टॉप रिक्रूटर्स में मार्केटिंग में एक्सेंचर, MTR, सेल्सफोर्स, मारुति सुजुकी, फाइनेंस, क्रिसिल, डेल, SBC, ICICI बैंक, KPMG, HR, मैथुल लिमिटेड, इन्फोसिस, नैरी, ओरेकल, एंड एनालिटिक्स में डेल, कॉग्निजेंट, पिटनी, बोज, क्राउड एनालिटिक्स, ये सारी कंपनीज वर द रिक्रूटर्स। फैसिलिटीज आपको ऑलमोस्ट सारी मिल जाएंगी, फैकल्टीज आर गुड एज पर स्टूडेंट। इवेंट्स हेल्ड, जैसे मैंने आपको बताया हर क्लब जो है वो इवेंट कराता है, जैसे सोलारिस है, ये लॉ फेस्ट बाय NMIMS स्कूल ऑफ लॉ है, देन इंट्रामून है,
नेशनल वर्चुअल मूट कोर्ट, ऐसे सो मेनी कॉम्पिटिशंस एंड क्लब्स थ्रू आउट द ईयर है. ये नियर बाय हैंग आउट्स है व्हाट यू कैन एक्सप्लोर इन योर वीकेंड्स ऑफ फ्री टाइम अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, राइट? एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड. डू लेट मी नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. फॉर मोर सच वीडियोस कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड